महाराज जी आपके चरणों में वंदन अभिनंदन स्वागत महाराज जी और रिविजन के लिए समस्त फिल्म जगत यहाँ पर आया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। महाराज जी सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे हमारे अगल यहाँ जितने भी हैं, ये लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई, मैंने सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया है और अक्सर मित्र भी हमारे सारे, तो बात यही होती रही कि मुंबई फिल्म सिटी 500 एकर में एक बड़ा रहे, जैसे रामोजी फिल्म सिटी रहे, एक मैसिव सा स्ट्रक्चर क्या होगा जहाँ पर आप दरवाजा खुले और वन विंडो यू गो इनसाइड, फिनिश द फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग और एकदम क्लासिक हो और उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था, एक नया लोकेशन, नई बातें। और महाराज जी आप हमेशा सम्मान करते हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतना भव्य है कि जिस हिंदी भाषा हिंदी हार्टलैंड पे बन रही फिल्मों का स्वागत आप करने के लिए आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का आपने जो एक तोहफा जिसको फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया है, जो बॉलीवुड, जो हिंदुस्तान बॉलीवुड जिसको मैं हिंदी सिनेमा कहता हूँ, जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है विश्व की, 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं यहाँ पर और करीबन आपकी ये सब्सिडी की वजह से 100 से 125 फिल्में की शूटिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो महाराज जी धन्यवाद आपका कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे सिनेमा जगत जहाँ से मैं आता हूँ, दिनेश बाबू आते हैं, जहाँ से मेरी पहचान बनी, उसके लिए आपने और लाखों लोगों को रोजगार देने और लाखों जैसे हम जैसे लोग आके जो स्ट्रगल करते रहे उन लोगों को अपने घर के पास एक नया स्थान मिलेगा, रोजगार मिलेगा अनगिनत लोगों को, और सिनेमा जगत के लिए आपने इतनी सब्सिडी इतनी सुविधाएं दी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ महाराज जी। और मैं इसी के साथ पूरी फिल्म जगत जो यहाँ पर आया है, मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप लोग आइए उत्तर प्रदेश में स्वागत है, अद्भुत तरीके से आप लोग वहाँ पर सिनेमा बनाइए और भारत को एक सशक्त भारत और सुंदर भारत हिंदी फिल्में हिंदी हार्टलैंड पे हम लोग बनाएंगे, यही स्वागत है आप लोगों का, धन्यवाद।